नमस्ते। जैसे कि आपके सामने हम लोग टाइम टू टाइम नया कुछ न्यूज़ लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, आज आपके पास हूँ सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक कमीशन के बारे में है। कमीशन मतलब मनी रिलेटेड, और मनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, विच इज़ कॉल्ड PV रिफ्लेक्शन रेट। आई डोंट नो ये दूसरे कंपनी में है कि नहीं, बट हमारे कंपनी का कमीशंस के ऊपर ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया गया है। इसका मतलब PV रिफ्लेक्शन रेट कैसे आता है बताता हूँ। हमारा कमीशंस कैलकुलेट होता है, जो जनरल कमीशन कैलकुलेट होता है, वो एवरीडे कैलकुलेट होता है। संडे हॉलीडे होता है। हॉलीडे क्यों होता है? क्योंकि संडे आप अपना फैमिली के साथ टाइम बिताए, इसीलिए संडे हॉलीडे होता है। उस दिन हमारा कमीशन कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ये वीक के 6 दिन जो है, हर दिन कैलकुलेशन करते वक्त आपका कभी ऐसा भी हो सकता है, अरे मैं तो आज खरीदना भूल गया करके आप कल खरीदारी करने के लिए जब जाते हो, देन आज का आप वो मिस कर सकते हो। इसीलिए हमारा कंपनी का सिस्टम में आप खरीदारी, मतलब पीवी का रिफ्लेक्शन रेट जो है, पीवी का रिफ्लेक्शन रेट जो कि कमीशन के ऊपर आता है, आपका ये जनरल कमीशन के ऊपर भी आता है, ये जो है मास्टरशिप के ऊपर भी पीवी रिफ्लेक्शन रेट का इफेक्ट है। सो पीवी रिफ्लेक्शन रेट आज का तारीख में आप कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे थर्सडे हो गया, हमारा लॉन्च हो रहा है वेंसडे को, थर्सडे इसका मतलब है 12 तारीख। अगर 12 तारीख का आप अगर पीवी रिफ्लेक्शन डेट आपके पास ऑप्शन आएगा, उसको आप वेंसडे के हिसाब से भी रिफ्लेक्शन कर सकते हो। वेंसडे मतलब 12 तारीख को जो कि थर्सडे है, उस दिन भी कर सकते हो, या फ्राइडे को, शुक्रवार को भी, विच इज 13 तारीख है। इसके हिसाब से आप पीवी रिफ्लेक्शन डेट सिलेक्ट कर सकते हो। और आपका डाउनलाइन अगर ऐसे करके सिलेक्ट करता है, तो आपका पीवी रिफ्लेक्शन उनके वजह से, आपका डाउनलाइनर के वजह से कैलकुलेशन भी उनका सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करके होगा। समझ गए? जैसे कि आपको बताया, संडे जो है वो हॉलीडे होता है, राइट? संडे हॉलीडे होने का वजह हमारा उस दिन कैलकुलेशन नहीं होता है, राइट? तो अगर संडे हॉलीडे है, मतलब उस दिन आप पीवी रिफ्लेक्शन रेट चूज नहीं कर सकते हो। मगर संडे अगर आप खरीदारी करते हो, तो वो आप फ्राइडे को पीवी रिफ्लेक्शन रेट में सेट कर सकते हो, या फिर सैटरडे को सेट कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट मंडे को सेटअप कर सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन रहेगा, मंडे को क्या करूं? सो मंडे का जो है, आप संडे रिफ्लेक्शन डेट में सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, वो आप सैटरडे, मंडे एंड ट्यूसडे में सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब है, आज अगर खरीदारी करते हो, बीता हुआ कल, आने वाला कल, दोनों में आप रिफ्लेक्शन डेट सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्शन आपका संडे के लिए मैंने बता चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। आपका लॉगिन करने के बाद वहां से आप एक आईडी कार्ड का PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 11 तारीख को ही वो वाला आपका अपने अकाउंट में दिख जाए, बट अगर थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है इसमें से आप वो PDF फाइल लेके जाकर, जैसे आप आधार कार्ड का जो प्लास्टिक प्रिंट आउट करते हो, वैसे हिसाब से आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। उसमें आपका ADN नंबर रहेगा, नेम, एंड कब से आप मेंबरशिप, वो वहां पे दिखेगा। वो आप प्रिंट आउट करके अगर आप दूसरे नए कोई व्यक्ति को, या फिर प्रोस्पेक्टिव डीलर को आप मीटिंग में जा रहे हो, यू कैन शो दैट वन, आप दिखा सकते हो एज ए प्राउड एटमी मेंबर के हिसाब से।
एग्रीमेंट के बारे में भी आपको बता देता हूँ, एग्रीमेंट भी जो है वो आपका अकाउंट के अंदर अवेलेबल होगा, अगर आपको ज़रूरत है तो उसको आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास बहुत सारा कॉल भी आ चुका है इसके बारे में, कि आप पर पर्सन के हिसाब से कोई लिमिट रख रहे हो कि नहीं। देखिए, एटर्नी हमेशा अपने मेंबर को ट्रस्ट करता है और हमेशा बोलता है कि आप बेटिंग मत करो। इसका मतलब है हमारा इन्वेंट्री अपने घर पे मत रखो। हम लोग पर पर्सन का इन्वेंट्री, पर पर्सन का कोई लिमिट नहीं रखेंगे। आप अपने अकाउंट से एक ही इनवॉइस में बिना लिमिट के खरीदारी कर सकते हो, मगर आपको पता है कि कोरोना का टाइम पे हम लोग शिपिंग लेके आ रहे हैं, शिपमेंट में आ रहे हैं, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। सो हमारे पास अभी जो इन्वेंट्री है हमारे वेयरहाउस में, मुझे तो डर लगता है कि वो एक दिन में एकदम से निकल ना जाए। सो इसीलिए हम लोग कैसे लिमिट करेंगे हमारा पर डे। फॉर एग्जांपल, फेम आज के दिन में आप 1000 क्वांटिटी खरीद सकते हो, वैसे करके हम लोग लिमिट करेंगे। बट हमारे अकाउंट से, खुद के ADN के खुद के अकाउंट से वो इतना लिमिट है ऐसा नहीं है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमको पता चले कि आप सिर्फ कमीशन पाने के लिए या बेटिंग करने के लिए या फिर अपने यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक सिर्फ खड़ा करने के लिए, आपके पास रिटेल जो है आपको बेचने वाला कस्टमर नहीं है, मगर सिर्फ घर में रखने के लिए आप खरीदारी कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिए हो, वो ऑर्डर आपका कैंसिल भी हो सकता है। जो कि हमारे डॉक्टर हान गिल पार्क हमेशा हर कंट्री में बोल के आए हैं कि हम लोग बेटिंग नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे करके ज़्यादा चीज़ें खरीद के अपने घर में नहीं रखते हैं, ऐसा कतई ना करने का डायरेक्शन है कंपनी का। इसीलिए आप अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर देते हो वो कैंसिल भी हो सकता है। अब आपको ये चार चीज़ें जो हैं जानकारी मिल चुकी है, मैं सबसे यही विनती करूँगा कि आप ऑनेस्टी से, सही तरीके से आप बिजनेस करो और सक्सेस के लिए ऑनेस्टी एंड प्रॉपर डायरेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं विश करूँगा कि आपका सक्सेसफुल दिन रहे, आपका सक्सेसफुल मंथ रहे, आपका सक्सेसफुल ईयर रहे और आप हमेशा सक्सेसफुल बनो। धन्यवाद।